गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आपको क्लास फर्स्ट हिंदी सेकंड चैप्टर 11 एंड चैप्टर 12 का रिवीजन एक्सरसाइज करवा रही हूँ, क्योंकि पीरियोडिक टेस्ट 4 में इसी आधार पर क्वेश्चन आंसर आएंगे। हर क्वेश्चन से 3 ऑप्शन रहेंगे, जिनमें आपको एक सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में 20 क्वेश्चन होंगे। चैप्टर 11 वचन, अब हम वचन से रिवीजन करवा रहे हैं। नोटबुक में आपको दो क्वेश्चन भी लिखवाया गया है। पहला है वचन किसे कहते हैं, दूसरा है वचन के कितने भेद होते हैं। इन दोनों क्वेश्चन से भी आंसर आएंगे, जिसमें क्वेश्चन वैसे ही रहेगा, 3 ऑप्शन रहेंगे, एक सही ऑप्शन पर सही का चिन्ह लगाना है। अभ्यासकार का निम्नलिखित शब्दों के वचन लिखिए। पहला देवी, यह एक वचन है। दूसरा टोपियां, बहुवचन है। तीसरा तोते, ये बहुवचन है। चौथा घोड़ा, यह एक वचन है। पांचवा वस्त्रें, ये बहुवचन है। छठवां कमरा, यह एक वचन है। सातवां कलम, यह एक वचन में है। आठवां पौधे, ये बहुवचन है। नौवां खिड़की, यह एक वचन है। दसवां खिलौने, ये बहुवचन है। खा, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन और बहुवचन शब्द चुनकर उपयुक्त स्थानों पर लिखे। दरवाजा, चाबी, गन्ने, चादरें, कटोरी, चिड़िया, उंगली, पुस्तकें, थाली, रुपए। अब यहाँ एक वचन के नीचे एक वचन, बहुवचन के नीचे बहुवचन लिखना है। एक वचन में है दरवाजा, चाबी, कटोरी, उंगली, थाली। बहुवचन में है गन्ने, चादरें, चिड़िया, पुस्तकें, रुपए। अब चैप्टर 12 विशेषण, विशेषता बताने वाले शब्द नामक चैप्टर का डिवीजन एक्सरसाइज करवाऊंगी। पहला, यहाँ एक पेड़ का चित्र है, हरा लंबा। दूसरा हाथी का चित्र है, हाथी मोटा विशाल। तीसरे में शेर का चित्र है, शेर बहादुर साहसी। चौथे में खरगोश का चित्र है, खरगोश सफ़ेद है और छोटा है। पांचवे में सेब का चित्र है, सेब लाल है और मीठा है। छठवां पुस्तक है, पुस्तक नई है, पुरानी है। खा, रेखा खींच कर सुमेल कीजिए। पहला नीला आकाश, दूसरा पीले फूल, तीसरा सच्चे बच्चे, चौथा सुंदर लड़की, पांचवा मीठी जलेबी, छठवां हरा पत्ता, सातवां ऊंचा पेड़, आठवां विशाल महल, नौवां स्वादिष्ट भोजन, दसवां गहरा सागर। आओ दोहराएं दिए गए विशेषण शब्दों के साथ सही शब्द चुनकर लिखे। माँ, आम, आसमान, किसान, करेला, कमीज। नीला आसमान, मीठा आम, कड़वा करेला, प्यारी माँ, लाल कमीज, मेहनती किसान। इसके अतिरिक्त नोटबुक में आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे आदि लिखवाया गया है, जिसमें से भी इसके अतिरिक्त नोटबुक में आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द लिखवाया गया है, जिसमें से भी आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे। इसमें भी क्वेश्चन आंसर उसी प्रकार दिए जाएंगे जैसा एक्सरसाइज में बताया गया है। आज का रिवीजन कार्य पूरा हुआ। धन्यवाद।